राम राम जी। और क्या मजा आ रही है, आप रही कि वैसी वक्त कट रहे हैं। ये वाली वीडियो है कुकिंग चैलेंज वीडियो का दूसरा पार्ट। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले वो देख आओ, नहीं तो इसमें चीज़ें कम समझ में आएंगी। मेरे सबसे ज़्यादा टॉप के बने हाँ, हम तो फालतू हैं। तेरे टिक्की भैंस की लैंडी सी ऐसा नहीं है। तो इसका पूरा टोटल नॉन वेज है तो पहले ये बनाएगी, फिर उसके बाद मैं अपनी वेज वाली बनाऊंगा। अब ये अपने इसकी सॉस बना रही है, इसने ये वाली सॉस डाली है, उस्ता सॉस है कोई पता नहीं क्या होता है, और टोमेटो केचप दो सॉस डाल के थोड़ी सी फ्राई करके उसके साथ खाते हैं बता रहे हैं। इसके बाद फिर मैं अपनी टिक्की बनाता हूँ। टूट के भगने लग जाए यार, मेरी टिक्की बेइज्जती हो जाएगी इसके आगे। ये मुझे कह रहे तेरी वीडियो वीडियो की भाड़ में भूख लग रही है, मैं एक तो अभी खा के आ रही हूँ उसके बाद करेंगे बाकी का काम। अरे इनका सही है, बाजार से अपना वो मीट मीट बना वो कटा कटा आ जाता है, वो डालो अंडे पंडे डालो घोट दो, वेज वालों का सिस्टम ऐसी रहता है। अब मेरी बारी है, अब हम बनेंगे गॉर्डन राम से फैन नाइस एंड हॉट। ये डाला ऑलिव ऑयल, अभी गई हमारी टिक्की, टिक्की गई तेल में। बढ़िया, अरे टिक्की पलट रहा बेटे गजब। अरे इतनी गजब की टिक्की बन रही, पूरा कलर आ रहा है बेटे। गोलगप्पे की रेडी लगाने लग जाऊं क्या? एक बार और पलट के देखते, भी बहुत कैडी स्मेल आ रही, मजा आ रहा है। धीमी आंच पे गैस का सिस्टम रहता है, गैस होती है लो मीडियम और हाई, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं रहती कि लो मीडियम है, तो मैं ऐसे लगाता हूँ आइडिया ना, जैसे हाथ को ऐसे ले लो, अगर गैस की शेप ऐसी है तो ये हो गई लो, गैस की शेप थोड़ी खुल गई ये हो गई मीडियम, और गैस एकदम ऐसी हो रही फैल रही है ये होती है हाई। तो टिक्की में पकानी है लो, इससे या इसके अंदर, इसके बीच का ही रखना है, फैलानी नहीं है बहुत ज़्यादा। और इसमें दही भाई प्याज व्याज सॉस वॉस डाल के एकदम चक्कर देता हूँ। हाँ तो बन गई टिक्की, तो बन गई इसकी टिक्की है, मेरी टिक्की है। हमने सोचा कि बनाने में इसको एक एक घंटा टाइम थोड़ा लग रहा है, तो और भूख भी लग रही है, तो हमने कहा कि बनाएंगे खाएंगे फिर दूसरी चीज़ बनाएंगे फिर उसको खाएंगे फिर और दूसरी चीज़ बनाएंगे उसको खाएंगे। तो अभी भैया टिक्की चखते हैं। इतादाकिमास। उधेड़ो भाई गजब, चाट भंडार खोल लेना चाहिए मेरे को तो, अपना भगवान का तो, बहुत गजब की टिक्की। दो वैसे हम तो सही है, इसको भी बढ़िया लग रही है। एकदम करारी बढ़िया गजब की टिक्की, बिट्टू टिक्की वाले से टॉप की टिक्की बना दी है। यार कितने सालों बाद खाई है टिक्की, मजा आ गया। 2 साल पहले जब इंडिया गया था तब खाई थी।
खाए जैसे भी और भी चीजें बना के खानी है, पेट में जगह होनी चाहिए, पर यार रुका नहीं जा रहा है टिक्की से, तो देखी जाएगी वीडियो बनती है, बने ना बने ना बने, पर टिक्की खाऊंगा मैं। नेक्स्ट अली, अब नेक्स्ट आइटम है पकौड़े, जैपनीज वाले तेम्पूरा, मेरे वाले पकौड़े। इसके तो हो गए तेम्पूरा तैयार पकौड़े, अब हम अपने पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि इसका पेस्ट जो था उसमें कुछ भी वो नहीं था, मसाला नमक वमक, जैपनीज तेम्पूरा ऐसे ही होता है। अभी मेरा, मैं इसमें सारे मसाले डालूंगा जितने भी हैं। जी मैंने कर लिया अपना पेस्ट तैयार, बेसन बेसन तो मेरे पास था नहीं, तो ये तेम्पूरा का जो होता है ना कोना, तेम्पूरा का पाउडर वो मिलता है हर सुपर मार्केट में, बेसन है तो बढ़िया है। तो इसमें मैंने हल्दी चुटकी भर, हल्दी एक चुटकी, नमक नमक दो चुटकी, एक चुटकी मिर्च, हल्का गरम मसाला, हल्का चाट मसाला, हल्का धनिया पाउडर, जितना मैं काला नमक काली मिर्च जितने मसाले पड़े मैंने सारे डाल दिए एक चुटकी, आलू गोभी प्याज और मिर्च, तेल वो हो रहा है गरम हल्की, इसके बाद गैस कर देंगे धीरे, इसमें डुबाओ। ठीक है, आलू पकौड़े भी बनके तैयार, ये रहे। थोड़े ही बनाए मैंने, ज्यादा नहीं बनाया यार, क्योंकि फिर बाद में खाने भी तो मुझे ही है, इतना ज्यादा खाऊंगा नहीं पकौड़े। मित्रों तैयार हो गए भाई हमारे तो पकौड़े वकौड़े, ये रे मेरे टोटल वेज, आज ये भी वेज इसका, बस वो श्रिंप वाला है कलर तो आया ही नहीं है तुम्हारे में। तो इनका जो तेम्पूरा है, ये पकौड़े, इसके नमक लगा के खाते हैं भैया, हम तो डालेंगे लाल चटनी, लाल चटनी के बाद हरी चटनी। ओ ये रहा पकौड़ा प्याज का, मशरूम टाइप है ये तो, तेरी पहली बार देखा है कि पकौड़े सॉस में लगा के ऐसे हाथ से खाता है कोई आज ही करना है, इसमें टेस्ट नहीं है कोई, कभी नमक लगा लगा के खाओ। मेन うどんにのせたり、うん、これうどんにのせるの、うん、あとはうどんにのせたり、これだけでこう食べたり、うん、だから、インケジョ天ぷら、パコレ、うどんヌードル、そうて、もちもちし、ヌードル、ご飯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 、अब चिकन बनाए हैं। बनाएंगे। अब चिकन बनाएंगे। अब चिकन बनाएंगे। चलो। चलो। डिश नंबर 3, जापानीज फ्राइड चिकन। चिकन हम दोनों ने अपने अपने मैरिनेट करके रख दिए थे। इसने अपने जापानी स्टाइल में करा था, मैंने अपने इंडिया स्टाइल में करा था। इंडिया स्टाइल में मैरिनेट करने के लिए क्या करना होता है, उसमें वही जितने भी सारे मसाले पड़े सारे एक एक चुटकी डाल दो, नमक दो चुटकी डलता है,
इसमें मिर्च भी दो चुटकी, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालो, उसके बाद दो चम्मच दही डालो, फिर इसे मिला दो मिला दो मिला दो। इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स भी डाले हैं, फिर इसे घोल घोल के मिला दो मिला दो मिला दो। उसके बाद छोड़ दो एक घंटा, क्योंकि हमने तो बाकी चीज़ें बनाई तो आराम से इसे छोड़ दिया था। अब ये तैयार है नहीं, पता नहीं, जैसा बना के खाएंगे। पहले इसका फ्राइड चिकन बन रहा है जापानी स्टाइल, फिर मेरा बनेगा इंडियन स्टाइल। आज मीटर खींच दो। इसके तो बन गए ये रे। अब मेरी बारी है। गैस धीरे। बीच में थोड़ा थोड़ा पलटना पड़ता है। अभी ये अब जब तक मेरा चिकन हो रहा है, तब चौथी डिश है खिचड़ी। और इसकी जैपनीज जो खिचड़ी होती है ना, उखाई वो बहुत जल्दी बन जाता है। उसमें बने बनाए चावलों में पानी वाने डाल के करना होता है। खिचड़ी में तो इस कुकर में सीटी लगवानी होती है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैं अभी से तैयारी कर देता हूँ उसकी। फिर इसमें भी टाइम लगेगा, तो फिर ये मेरा मजाक बनाएगी कि तेरे पे कुछ नहीं आता। खिचड़ी में भी यही रहता है, चावल चावल धो लो, चावल डाल दो, और लाल वाली दाल डालिए। मैंने इसमें लाल वाली दाल डालो, ये कोई हरी भी डाल लो, तुम्हारी मर्जी है। नमक मैंने डाला इसमें आधी चम्मच, ये काली मिर्च, सारे मसाले डालो जितने पड़े, थोड़े थोड़े। खिचड़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई, क्योंकि मैं कल अपने लंच में भी लेके जाऊँगा ना फिर इसको ऑफिस। चिकन तैयार। दो जीवन में खड़ा गया ऐसी। ओ बोलो, दो सही बनाया। मेरा ज्यादा टेस्टी बोल रही है। चिगा होए, फोन तो नहीं लेते हो। आजी सूचना है इसके में, वो नहीं है मतलब फ्लेवर होता है ना सिर्फ मेरे में। तो मसाले डाले मैंने भर भर के, खा के देखता हूँ। ओए उसका वो मैं खराब है। ये खराब है, इसके फ्राइड चिकन जो जापानी स्टाइल वो है, फ्राइड चिकन वो जापानी स्टाइल फ्राइड चिकन ही है प्रॉपर। भाई सही बनाया लड़की ने, मेरे में फ्लेवर है, टेस्ट है, साथ में प्याज भी है। This number four. नानी, तमागो? तमागो याकी. This number चार बनाएगी ऑमलेट। मैं बनाऊंगा ऑमलेट, ये बनाएगी तमागो याकी, जो जापानी स्टाइल ऑमलेट होता है। मैं बनाऊंगा अपना रेडी वाला ऑमलेट। चलो चलो। ये सीटी बढ़िया थी, कंप्लीट बंद। तमागो ना कतार तो अच्छा 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 ですね। こちらのカツオだしですね。カツオのだしはちょっと薄いですけどね。そちら取ったものを、はい、こちら本格的なものになりますので、はい。何その声？普通に喋ってよ。ちょっと入れますね。混ぜていきます。白だし。はい。ये 白だし？ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता। सिरप विरप सा होता है ये। इसमें डालते हैं इसके जापानी स्टाइल जो ऑमलेट सा रहता है तमागो याकी। इसमें नमक डाला है और वो छोटा सा वो पानी सा डाला था बना के, और वो जो पानी सा बनाया था उसने वो बनाया था इससे। ये होता है खत्सुओ पक, खत्सुओ ये होता है मछली, और मछली को छील के सुखा के फिर ऐसा वो बन जाते हैं छिलके छिलके से, वो डालते हैं जापानी स्टाइल ऑमलेट में तमागो याकी। मैं बार बार ऑमलेट बोल रहा हूँ पर ऑमलेट तो होता नहीं ना यहाँ। और इसका फ्राई पैन भी अलग रहता है। कौन ना नहीं
最初はこうしてちょっと、うん、इसका तो हो गया, ये होता है जापानी स्टाइल ऑमलेट बोल दो इसको, तमागोयाकी। अब हमारी बारी है अंडों का शहंशाह, ऑमलेट का बादशाह, पिल्लू अंडे वाला। प्याज, प्याज डाल दो भाई साहब। अब इसमें डालेंगे हम नमक, इसमें नमक डालना एक चुटकी और काला नमक ऐसे। अब काली मिर्च हरी और लाल मिर्च खड़े के देख रहे कि हर चीज में इतने मसाले ठोक देता है। पैन नाइस एंड हॉट। अब तरह कोने कोने में लगा दो इसको। One, two, three. Oh, smooth, बेटे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, गजब। नहीं तो ऑमलेट चिपक जाता नीचे। भाई नेक्स्ट आइटम ऑमलेट। ये जापानी स्टाइल ऑमलेट है, ये मेरा इंडियन वाला है जिसे रेहड़ी पे मिलता है। ओ गजब, बेस्ट बाय बेस्ट। अरे नमक थोड़ा ज्यादा लग गया इसमें। यार का है ना, क्रीम का है तेरे में तो है। सॉफ्ट बहुत ऐसा क्रीमी क्रीमी साइज का, मेरा थोड़ा वो हो गया है नमक ज्यादा। हाँ, ओबेंटो तो कनी को है ते मास मैंने जो कासा का चकर ओबेंटो। जापान में जो लंच बॉक्स जो ड्यूटी पे जाते हैं स्कूल में बच्चे लंच लेके जाते हैं, उसमें ये तमागोयाकी मम्मी बना के देती है हमेशा, मोस्टली। अरे बटर डाला है तूने तो वो टिकिया टेस्ट तो आ नहीं रहा बटर का। नंबर पांच ओकायू खिचड़ी, मैं बनाऊंगा खिचड़ी, ये बनाएगी ओकायू। खिचड़ी जैसा ही होता है, बात सारी वही आ जाएगी, मैं उसमें मसाले भर दूंगा, इसका प्लेन होगा, उसमें टेस्ट नहीं होता। यूज दोनों का सेम है, जैसे बीमार होते हैं पेट खराब होता है बुखार चढ़ जाता है तो हल्का खाना खाने को बोलते हैं, हल्का खाना खाना चाहिए तो खिचड़ी खाते हैं ना, हॉस्पिटल में भी खिचड़ी मिलती है बिना मसाले वसाले की। जापान में भी ऐसा ही होता है, वो ओकायू तो जापानी खिचड़ी होती है, वो भी बीमार जब होते हैं पेट खराब होता है तब खाते हैं हल्का खाने की तरह से। बस। तो इनकी खिचड़ी तो बहुत सिंपल है, वो है चावल जो बने हुए थे पहले उसमें वो डाले, पानी डाल दिया थोड़ा सा और अब उबालने को रख दिया, एक उबाल आ जाएगा उसके बाद ये इनकी खिचड़ी तैयार। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, फिर अंडा वंडा डाल दो खाते वक्त, बस ये है। तो वो पानी में डाल के उबाल के मैंने तो खिचड़ी अपनी कर ली तैयार, पर मैं सोच रहा हूँ हल्का सा तड़का ही लगा लूँ यार, थोड़ी प्याज थोड़ा टमाटर हल्का जीरा वैसे करके खाऊंगा, क्योंकि खानी तो मुझे ही है ना। और प्याज जो बोलते हैं ना ऐसे भूनो हल्की भूरी होने तक, तो मेरी सच में कभी भूरी होती नहीं है, ये तो काली होती है या फिर ऐसी रहती है, तो मैं ऐसी में डाल देता हूँ 10 मिनट वेट कर, 5-10 मिनट के बाद।
प्रणाम जी, और क्या मजाली है, मेरा नाम मीते है। हाँ तो ये होगी खिचड़ी, ये इसकी, इसने ऊपर प्लम रहता है कुछ, वो ऊपर डाला है। कलर अलग है, ये इसने नमक डाला ऊपर से और ये प्लम डाला है। हम अपनी खिचड़ी खाएंगे दही के साथ। पर्पस दोनों का सेम होता है, ये भी बीमार लोग खाते हैं, ये भी बीमार लोग खाते हैं खिचड़ी। बुजुर्ग लोग खाते हैं, जिनका पेट ठीक नहीं होता वो खाते हैं। इसमें लेता हूँ, बहुत सेक्सी खिचड़ी बनाई है मैंने भाई, गजब।